Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll be talking about Jagriti or awareness. What is this awareness? What is this Jagriti? You must understand there is a difference between Jagriti and Jagritavastha. Okay, these are two different things. Jagritavastha is the state of consciousness in which we generally work. Suppose I am talking to you, okay. So I am talking to you and you are listening in Jagritavastha. But there is a very, very deep and very, very serious term which is known as Jagriti or awareness. Many people, many spiritual masters, religious leaders, they always and generally talk about this awareness, this Jagriti. And they say that when we become aware or when we become Jagrit, then we get enlightened, right? Now, from the yogic science perspective, we will try to explore into this word Jagriti. And somewhere in India also, in two or three religions like Buddhism, Hinduism, Jainism, this word Jagrit has been extensively used. For example, in Jainism, they use a particular word for awareness, which is called asutta. There are two words, sutta and asutta. Sutta means the state of sleepiness, right? When you are spiritually fast asleep. Okay, so this is called sutta, and asutta means the state of awareness. Okay, in the same way, similarly, in Buddhism also, there comes a word where Buddha uses apramad. Okay, so apramad is also is a word, okay, which is very, very similar to this Jagrit or the state of awareness. Now, what exactly is the Jagriti or awareness? We will understand from Sharmaji, from the yogic science point of view. Sharmaji, jo Jagriti hai, awareness hai, theek hai, uska bahut use kiya hua hai. Hindu dharm mein bhi use hai, theek hai, jaise Kabir Das ji ka ek isme bahut prasiddh doha bhi hai. Wo doha hai, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग तेरा साये तुझ में जाग सके तो जाग. जागृति शब्द आया है, जागने का शब्द आया, जागने का शब्द. हाँ, इसी तरीके से जैन धर्म में भी है. भगवान ये महावीर जी का एक छोटी सी एक लाइन भी है, वो ये कहते हैं मुनि के संबंध में कि मुनि कौन है, असली मुनि कौन है. तो बोलते हैं असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि. असुत्ता का मतलब होता है जो सोया हुआ नहीं है, जो जागृत है, तो उसको मुनि बोला उन्होंने. और सुत्ता मतलब जो सोया हुआ है वो अमुनि है, वो मुनि नहीं है. इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी आया है, बुद्ध कहते हैं जो जो प्रमाद नहीं करता, जो अप्रमाद में रहता है. अप्रमाद का मतलब जो जागृत अवस्था में रहता है, ठीक है. तो उसको उन्होंने अच्छी अवस्था बोली है स्पिरिचुअली. तो योगिक साइंस के हिसाब से ये जागृति क्या है, जागृति किसे कहते हैं? योगिक आध्यात्मिक विज्ञान हमारा ये कह रहा है इसमें कि जागृति एक शब्द है जहाँ पर अपने मूल को वो व्यक्ति जो देख ले और उसको सुन ले और उसकी गति को देख ले, सब चीज़ों को, तीनों अपने जो उसके प्रिंसिपल हैं उनको देखने के बाद में, जब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जब संसार में संसार को देखता है तो वो संसार को देखने देख करके उसका एक आकार और साकार निराकार उसका एक देख करके वो तुरंत ही, उसे टाइम नहीं लगता उस व्यक्ति को, वो अपने मूल में चला जाता है और उस चीज़ में, उस मूल को छोटे छोटे छोटी सी चीज़ में वो मूल को देख लेता है. तो वो मूल को हमेशा देखता है, वो मूल से कभी आदर्श नहीं होता,
वो दृश्यमान रहता है मूल के प्रति। तो ऐसा व्यक्ति जागृत है। हाँ, जो दृश्यमान, जिसके सामने हर चीज में संसार, अगर कोई भी ऐसा प्राणी जो अपने मूल को नहीं जानता और वो संसार को देख रहा है, तो जो संसार को देखता है तो उसमें, उस संसार को देखने के बाद उसमें एक ऐसा एक भाव आता है कि ये चीज़ इनके पास क्यों है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं। जो वो जो चीज़ आती है, ये चीज़ आती है हर चीज़ की, ये मेरी है, इसके ऊपर एक अहंकार है, इसके ऊपर वो, जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाना प्रकार के भाव उस व्यक्ति के दिमाग में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में सब में समाहित होते हैं, जो अपने मूल को नहीं जानता मगर जगत को देख रहा है, जगत को देख रहा है और तो जगत से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। हाँ, कर लेता कि मेरा, मेरे जो एग्जिस्टेंस है, मेरी जो स्थिति है, वो इनके अंदर, यहाँ पे है, ये मेरा सब है, ये सारा मेरा है, मेरा है, और जो आपके पास है वो मेरा क्यों नहीं है जी। तो वो ये व्यक्ति यहाँ रहता है, मगर मूल वाला जो जो जागृत अवस्था में जो अपने मूल को जानता है, वो जानने के लिए, मूल की जो जानने की प्रक्रिया थी वो यही थी कि एकदम अचानक मूल होता है, मूल को देखने के लिए बोध जो है वो एकदम अचानक होता है, करने से नहीं होता है। कि कोई व्यक्ति करना चाहे कि मैं मूल को अपने करना चाहता हूँ और मूल को मैं देखना चाहता हूँ और मैं मूल को, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, ऐसे होता होता तो सबको हो गया होता। ये मूल अचानक होता है, ये मूल मूल की जो प्रक्रिया है, जो अपने देखने की, जो बोध की प्रक्रिया है, अपने मूल को जानने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया प्राकृतिक के अनुरूप जीने से और अनुरूप रहने से और उसकी जो शक्ति, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको वो सिरोधार करके अपने केंद्र में हमेशा स्थापित रहेगा, वही व्यक्ति जागृत हो सकता है, वही व्यक्ति उसी प्राणी को बोध हो सकता है। और वो प्राणी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही हो, और भी योनियों में सब में ये अवस्था और ये व्यवस्था सब में उपलब्ध है। ये वो उनकी अपनी सोच है कि भाई मनुष्य को ही होता है, ऐसा नहीं है। तो दूसरे ये पीस ये है कि अगर कोई चीज़, अगर मूल को जब हमने देख ही लिया और अब हम संसार को देख रहे हैं, मूल से हट गए, हम संसार को देख रहे हैं, तो वो हम उस संसार को, मूल को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि मूल में ये संसार आधारित है। हम ये बात हमने बोध में जानी कि हमारे जो तीन प्रिंसिपल हैं वो मूल हैं और ये संसार जो नाना प्रकार है ये उस पर आधारित है। तो अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको ये कहें कि हमारी ये जो शरीर है, शरीर में दिल धड़क रहा है जी। तो दिल को तो ना पकड़ सकते हो और ना ही आप उस पर देख सकते हो, हाँ तो हाथ भी नहीं आपका दिल के ऊपर पहुंचेगा, मगर दिल की धड़कन को आप नब्ज से पकड़ लेते हो। तो दिल की धड़कन या आपकी दिल की चाल को आपने शरीर में कहीं से भी उसे पकड़ लिया तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये दिल धड़क रहा है, ये तभी चल रहा है, दिल धड़क रहा है तभी चल रहा है, तभी गा रहा, तभी सो रहा, तभी ये कर रहा, इसकी नब्ज चल रही है, तो इसका मतलब दिल धड़क रहा है। तो ऐसे ही जो जागृत अवस्था में है, जो जागृत अवस्था में है वो मूल से अलग नहीं हो पा रहा है, वो देख तो संसार को रहा है मगर संसार के हर कण में, हर अणु में वो अपने मूल को देख रहा है और मूल को देखकर तुरंत आकर के वापस आता है। बहुत तीव्र गति बुद्धि और मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता है कि किसी चीज का नाम लिया तो यूं गया और यूं उसने मूल को देखा, मूल देख के वापस आया, वापस आकर के उन्हें इसी लैपटॉप को देखने लगा कि हाँ भाई लैपटॉप तो बहुत बढ़िया है और ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब वो बड़ाई इसकी कर रहा है मगर वो मूल को देख रहा है, मूल की बड़ाई नहीं करता, मूल की बड़ाई इसलिए नहीं करता, मूल में ये लैपटॉप मूल नहीं बनाता और मूल की शक्ति से, उसकी जो तीनों प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से ये बना हुआ दिखाई देता है। तो मूल इस लैपटॉप में है और लैपटॉप उस मूल की स्थिति में है, तो ये बात तो उसे जानता है, तो वो जागृत अवस्था है। तो इसमें दो चीजें हैं, वो दोनों के एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों की बीच की बहुत बारीकी
एक लाइन है, एक रेखा है, रेखा की भी रेखा बहुत बारीक है जिसको रेखा नहीं कहा जा सकता, ऐसी रेखा में वो जागृत वाला व्यक्ति टिका हुआ है, वो अपने एक तरफ मूल को देखता है, दूसरी तरफ वो जगत को देखता है, और वो उसको क्षणिक ये सब सामान लगता है, इसमें टाइम नहीं लेता वो। तो ये चीज इस तरीके की जो जागृत अवस्था उसकी बनी हुई है, तो वो दोनों के प्रति जागृत है, वो संसार के प्रति जागृत है और मूल के प्रति भी जागृत है, जो जिसको जागृति अवस्था में, और जो संसार के प्रति जागृत है वो तो मूल के प्रति सोया हुआ है, और मूल के मूल का उसे ज्ञान भी नहीं है, मूल के उसे अनुभव भी नहीं है, मूल अगर सुन भी ले तो उसका अनुमान है, और मूल को वो जानता भी नहीं है, इसलिए उसके लिए जो जगत है, संसार है, ये उसको सत्य भासता है, और जागृत वाले को मूल सत्य भासता है, और ये सब चीजें जो हैं ये बदलती हैं, और उस पे ये काल्पनिक है, इसलिए उसे ये भाती नहीं है, मगर इनका प्रयोग जब जीवन है तो वो इनका प्रयोग करता है, मगर जरूरत के मुताबिक, जितना चाहिए उतना ही लेता है, और उतना लेकर के उसको वहीं छोड़ता है, जहाँ का तहाँ छोड़ता है, उसको ज्यादा वो इकट्ठा नहीं करता, ये उसमें इस तरीके का भाव होता नहीं, उसमें ये भाव नहीं रहता है, जो जागृत व्यक्ति है उसमें इस तरीके का भाव नहीं रहता है कि मैं इसे सारा रख लूँ और फिर ये समेटे समेटे उसे घूमू, ऐसा नहीं करता वो तो जहाँ उसको जरूरत है उसने जरूरत पूर्ति करी, आगे बढ़ता है, तो वो जागृत वाला व्यक्ति की ये एक पहचान होती है, और जो मूल को देखता है ये जागृति, इसे आप जागृति कह सकते हो, और ये जागृति जो है ये अचानक होती है, ये किसी के करने से नहीं होती है, और ये जागृति जो है किसी प्रयास भले ही आप उसके लिए कर सकते हो, मगर जागृति में चले जाना ये ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं तो सब चले गए होते, ऐसे तो सब चले गए होते, जागृति ऐसे नहीं होती है। तो जो जागृति शब्द है, जागृत मूल के प्रति जागृत, मूल के प्रति संसार में रहते हुए मूल के प्रति जो जागृत है वो जागृत है, बाकी सब जो जितने भी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जो जीव जंतु हैं, वो सबके सब संसार के प्रति जागृत हैं, मगर मूल के प्रति जागृत नहीं है, और मूल संसार में है और संसार मूल में है, संसार काल्पनिक है, मूल यथार्थ है, यथार्थ है, और तीन ही प्रिंसिपल है, उसमें कोई संसार नहीं होता, उसमें कोई जगत नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता, तो मूल में ये स्थिति नहीं होती है, ये जितनी भी स्थिति आप देख रहे हैं, जितना आप इकट्ठा का जगत देख रहे हैं, ये सारा मूल का काल्पनिक स्थिति है, और ये कल्पना की नहीं, कल्पना है, इसलिए ये बदलता है, और बदलने का ढंग वहाँ क्रिया उसकी वहाँ है, मगर यहाँ बदलता हुआ नजर आता है, वो नहीं बदलता, वो अबदल है, बदलते नहीं है, मगर वो क्रियात्मक है, वो क्रिया कर रहे हैं, अब वो क्रिया क्या कर रहे हैं, बदलने की क्रिया है या नहीं बदलने की, ये उनकी अपनी जो है ये काल्पनिक चीज है, ये तो ये ऐसी स्थिति को जागृत कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, द जागृति कैन आल्सो बी कॉल्ड इन इंग्लिश द अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स यू हैव अवेकन्ड टू द रियलिटी, okay, not to the unreal cosmos or unreal world. We have already discussed about the whole cosmos being unreal, but we take the whole cosmos as real. Okay, so this thinking or this consideration of this whole cosmos being real, this is called the state of sleepiness. It means you are not awakened to the reality because you are considering the whole cosmos as real. But actually, in reality, it is unreal. It means we are not awakened. We are not jagrat. Now, the person who is awakened means he or she is awakened to the reality, the real state of being. And what is the real state of being? The three original principles, which is the pure consciousness, Paramatma, the whole Prakriti, the primal Prakriti, which is called Atma, okay, and multiple Jivatmas. Because there is no process in these three principles. There is no creation or something like that. Okay, they are dynamic in themselves.
Okay, so this is the original being, original existence, and it never changes. It never comes into any kind of process. So this is real, and there is no memory, there is no sanskar over there. And based on this original nature, this original existence, this whole cosmos around us has been created, right? Now, we as Jivatmas, we think, we consider this whole cosmos as something real. And this is our foolishness. I would say foolishness. It means we are in the state of sleep. We are not awakened. The moment we get awakened, we get to know our original nature, the original existence, the three Mool Siddhant, the three original principles, right? So this is the state of Jagriti, this is the state of awakening. Thank you.